इस्लाम ने जो अकीदा दिया वो सही सुथरा और पाकीजा अकीदा दिया कि जो जो तुम कर रहे हो लिखा जा रहा है, अल्लाह के इल्म में है, किरामन कातिबीन अलग लिख रहे हैं, तुम्हारे आजा अलग गवाही देंगे और एक एक चीज तुम्हारे सामने उस दिन आ जाएगी। बल्कि बंदा जब अपनी मामूली से मामूली खता को भी देखेगा लिखा हुआ तो कहेगा माल हाजल किताब ला युगादिरो सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। हाँ, इस किताब को क्या हो गया, इसने छोटी बड़ी कोई बात नहीं छोड़ी, सब कुछ लिख दिया। तो एक एक चीज लिखी जा रही है, कयामत के दिन हर शायद तश्तज़बाम हो जाएगी। यौम तुबल सरायर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। उस दिन सारे राज खोल दिए जाएंगे, हर शय सामने आ जाएगी। तो अल्लाह ताला अगर चाहेगा तो अपने कर्म से किसी को माफ कर देगा, लेकिन अगर वो सजा देना चाहे तो कोई शख्स दम नहीं मार सकता। इसलिए इस दुनिया के ऊपर इंसान से गुनाह सरजद हो जाए तो वो तौबा करे, तौबा से गुनाह खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं, बल्कि गुनाह नेकियों में बदल जाते हैं। और अगर वो तौबा के बगैर इस दुनिया से चला गया, उसके नामा आमाल के अंदर वो गुनाह मौजूद रहे, तो फिर उसको उसकी सजा भुगतना होगी। अल्लाह अपनी मर्जी से चाहे तो दरगुजर फरमा ले। जो हुकूकुल इबाद हैं, बंदों के जो हक हैं, वो कयामत के दिन भी माफ नहीं होंगे, उन्हें अल्लाह ताला जल्ला शानहू साहिबाने हक के सुपुर्द करेगा। और अगर किसी ने किसी के दो पैसे भी दबा लिए हुए जुल्मन, तो 700 बार जमात नमाज उसके बदले में ले ली जाएगी। तो हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं और किस जगह पे खड़े हैं और अपना किया धरा कैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो अकीदा आखिरत जो इस्लाम ने दिया है उससे बचने की उम्मीद भी है, पकड़े जाने का अंदेशा भी है। लिहाजा बंदा अपना एहतसाब रखे और कदम फूंक फूंक के रखे और अपने मामलात को साफ रखे। हमारे बुनियादी अकायद जो हैं वो तीन हैं, अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और अकीदा आखिरत। अकीदा तौहीद अल्लाह ताला जल्ला शानहू को वाहद आहद समद बे न्याज यकता जात में सफात में मानना। अकीदा रिसालत, रिसालत का इकरार और अल्लाह ताला की तरफ से जो खल्के खुदा की रहनुमाई का निजाम है उसको तस्लीम करना। तीसरा अकीदा आखिरत, जिसकी वजाहत आपके सामने पेश की गई। ये जो कुफारे मक्का थे ये तौहीद का इनकार नहीं करते थे, बुतों को शामिल करते थे साथ, यानी वजूद बारी का इनकार नहीं करते थे। अल्लाह ताला के वजूद का ईमान रखते थे लेकिन बुतों को भी साथ शरीक मानते थे, लिहाजा इनके अकीदे में खराबी आई। रिसालत का भी इनकार नहीं करते थे, रिसालत का हुजूर के साथ जो इंतसाब है उसका इनकार करते थे, यानी ये इस बात का इनकार नहीं करते थे कि कोई रसूल होता नहीं, वो कहते रसूल होते हैं लेकिन हुजूर के बारे में कहते थे लस्ता मुरसला, कि आप रसूल नहीं हैं। यानी रसालत का इनकार हुजूर की जात से करते थे, नफ्स रसालत के मुनकर नहीं थे। लेकिन तीसरा अकीदा जो हमारा इस्लाम का बुनियादी है, अकीदा तौहीद, इसका वो डट के इनकार करते थे। वो कहते थे ये बात समझ से बाहर है कि जब हम मर जाएंगे हमारी हड्डियां जो है वो खाक में मिल जाएंगी तो दोबारा कैसे हमें जिंदा किया जाएगा। इस बात का वो डट के इनकार करते थे। जितनी भी मक्की आयात हैं आप पढ़ लें, उसमें अकीदा आखिरत का इस बात जोरदार अंदाज में किया गया, अमूमन मक्की आयात के अंदर, चूंकि कुफार आखिरत के अकीदे का डट के इनकार करते थे और वो कहते थे कि ये बात समझ से बाहर है। सूरह यासीन के अंदर अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनके इस एतराज को बयान फरमाया, इरशाद हुआ व दराबालाना मासाला व नासी अकल का, उसकी मिसाल के जो अपनी खिलकत को तखलीक को भूल गया। क्या कहता है, काला मैं युहिल इजामा वहिया रमीम, कहता है इन हड्डियों को कौन उठाएगा जबकि ये बोसीदा हो जाएंगे, जब खाक में मिल जाएंगी, गोदे खत्म हो जाएंगे, हड्डियों में मट्टी भर जाएगी,
तो उन हड्डियों को जोड़कर दोबारा इंसान कैसे बनेगा, ये वो इतराज करता है। कुल काला मैं युहिल इजामा वहिया रमीम, कि कौन इन हड्डियों को जोड़ेगा जबकि ये बिल्कुल बोसीदा हो जाएंगी। कुल ए हबीबा फरमा दीजिए, युही हल्लाजी अनशाहा अव्वल मर्रा, इन हड्डियों को वही जोड़ेगा जब हड्डियां भी नहीं थी जिसने इंसान पैदा कर लिया। अब तो मेटीरियल मौजूद है, बिखरा पड़ा है। जब मेटीरियल भी मौजूद नहीं था, जब मादा भी मौजूद नहीं था, तो जिसने उसको पैदा किया और फिर इंसान बनाया, अब उसके लिए हड्डियों को जोड़कर इंसान बनाना कौन सा मुश्किल है। तो दो लफ्जी दो टोक और बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। हबीबा फरमा दें, कुल आप इरशाद कर दें, युही हल्लाजी अनशाहा अव्वल मर्रा, इनको वही दोबारा जिंदगी देगा, दोबारा इनको जोड़ेगा कि जब जिसने पहली मर्तबा इनकी तखलीक की, जिसने हड्डियों को पैदा किया, उनको जोड़ के इंसान भी बना लेगा। तो और भी दूसरे मुकामात पर अल्लाह ताला जल्ला शानहु ने शाफ महसूदा तारक के अंदर जिस मालिक ने इंसान को सुल्ब से और सीने की पसलियों से निकाला, यखरुजु मिन बैन सुल्ब वत्तराइब, इन्नहु अला रजइही लकादिर, जब इंसान को तखलीक हुई तो वो सीने की पसलियों से और सुल्ब से निकाला गया, तो फिर उसकी तखलीक हुई और कितनी मनमोनी सूरत दे दी गई। तो जब मालिक ने वहां से निकालकर इतनी खूबसूरत सूरत से इसको नवाजा, तो जब ये कब्र में चले जाएगा तो इसको दोबारा क्या उठाने पे वो कादिर नहीं है? जो पसलियों से खींच के इंसान को तामीर करता है, जो सुल्ब की हड्डी से इंसान को खींच के तामीर कर लेता है, तो क्या वो मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदगी नहीं बख्श सकता? तो इस बात फरमाया गया अकीदा आखिरत का, उसके दलाइल कुरान मजीद के अंदर जगह जगह फैले हुए हैं, बिलखसूस मक्की आयात के अंदर इसको बड़ी वजाहत के साथ बयान किया गया है। तो ये हमारा बुनियादी अकीदा है, अकीदा आखिरत, कि हम दुनिया पे जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह के हुजूर एक एक चीज का हिसाब देंगे। मौत बरहक है और किसी को मौत से छुटकारा नहीं है, और उसके बाद बरज़ख की जिंदगी का आगाज होना है। कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। उसके बाद फिर हशर बपा होगा, लोग कब्रों से उठाए जाएंगे। हशर का एक दिन 50,000 साल पे मुश्तमिल होगा। तराजू नस्ब होगा, लोगों के आमाल तोले जाएंगे, अच्छे बुरे आमाल का वजन होगा। आज जो पलड़ा भारी होता है वो नीचे को झुक जाता है, लेकिन मीजान का मामला बरक्स है, जो पलड़ा भारी होगा वो ऊपर को उठेगा, क्योंकि नेकियां नूर होती हैं और नूर की उठान ऊपर की तरफ होती है, तो वो भारी पलड़ा जो है वो ऊपर की तरफ उठेगा। उसके बाद फिर पुल सरात से गुजरना होगा, और वो बाल से बारीक है, तलवार से तेज है, और जहन्नम की पुश्त के ऊपर नस्ब है। कोई बिजली की सुरत के साथ गुजर जाएगा, कोई तेज रफ्तार घोड़े की तरह गुजर जाएगा, कुछ पैदल इंसान की तरह, और कुछ जो है वो जिस तरह इंसान बड़ी मुश्किल से चलता है जिसके पांव हाथ ना हो, इस अंदाज से सुस्त रवि से चलेगा, और कुछ कट कर उसके अंदर गिर पड़ेंगे। और जहन्नम और दोजख अल्लाह ताला के कहरो गजब और उसकी रजा के मजहर हैं। जिस पे अल्लाह राजी होगा उसको जन्नत में भेजेगा, जिस पे नाराज होगा उसको जहन्नम में डालेगा। जहन्नम की आग जो है वो इस दुनिया की आग के बदले में 70 गुना तेज है, बल्कि उलमा लिखते हैं कि अगर उस जहन्नम से किसी शख्स को निकालकर इस दुनिया की आग में डाला जाए तो उसे नींद आ जाए, यानी इस कदर तेज है वो इस आग के मुकाबले में। जिब्रील अमीन से हुजूर ने पूछा कि मुझे जहन्नम के अजाबों का तज़करा सुनाओ। अर्ज की हुजूर, सबसे हल्का अजाब जहन्नमी को जो दिया जाएगा वो ये है कि उसके पांव में आग के जूते होंगे, बाकी पूरा बदन उसका सलामत होगा, सिर्फ पांव में आग के जूते रखे जाएंगे। ये खफीफ तरीन अजाब है,
यरगली मिनहुमा दमागहू, जूते पांव में होंगे लेकिन दिमाग पिघल के नाक और कानों के रास्ते से बाहर आ जाएगा। ये सबसे हल्के अजाब की कैफियत है, जो सख्त अजाब है अल अयास बिल्लाह। उसमें बड़ी बड़ी गहरी वादियां हैं, जहन्नम में उसमें चीखेगा पुकारेगा, 70 साल तक तो उसकी आवाज कोई नहीं सुनेगा, और 70 साल के बाद दारोगा जहन्नम झिड़क के कहेगा, बोल क्या बोलना, वो कहेगा कि मुझे पानी दो, तो उसको फिर पानी दिया जाएगा। कौन सा पानी? माए मईन नहीं, सलसबील नहीं, कौसर नहीं, तस्नीम नहीं। कौन सा पानी? उसको माए हमीम पिलाया जाएगा और गिसलीन दिया जाएगा। माए हमीम इतना गर्म और खौलता हुआ पानी होगा कि जब उसको कटोरे में डालकर उसके सामने रखा जाएगा और वो पीने के लिए मुंह आगे बढ़ाएगा, उससे उठने वाली भाप से उसके मुंह की खाल उधड़ के उस प्याले में गिर पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद उसको पीना पड़ेगा। ये उसके अजाब की एक सूरत होगी। और गिसलीन जहन्नमियों के पीप का पानी होगा। अल्लाह अकबर अल अय्यास बिल्ला। और वो इतना बदबूदार होगा, इमाम अबू रजब हम्बली लिखते हैं, अगर गिसलीन का एक कतरा अब दुनिया पर डाल दिया जाए तो उसकी बदबू से इंसान तो इंसान रहे, जानवरों के दिमाग भी फट जाए। और उसको वो पानी पीना होगा। उसने अल्लाह की नाफरमानी की, उसके हुक्मों को तोड़ा और अपनी मंशा और मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक चलता रहा, तो कल कयामत के दिन सख्त उसको तकलीफ उठाना होगा। जन्नत अल्लाह की रजा का मजर है और वहां जमीन कस्तूरी की है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उसको रंगारंग बागों से सजाया हुआ है। माए मईन, कौसर, सलसबील की नहरें चलती हैं, दूध की नहरें चलती हैं। 500 साल की मसाफत पर ऊंचे उसके दरख्त हैं जिनके ऊपर फल लटक रहे होंगे, और जब जन्नती आरजू करेगा शाख झुक के मुंह के करीब आ जाएगी। मुख्तलिफ पानी उसको दिए जाएंगे लेकिन सबसे बड़ा जन्नती के लिए एजाज ये होगा, हूरें पिलाएंगी उसको, गिलमान पिलाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा उसके लिए ये एजाज होगा, वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, कि उनका रब दस्ते करम से शराब तहूर के जाम पिलाएगा। तो ये सारी चीजें आखिरत से मुतालिक हैं। जहन्नम और जन्नत, पुल सरात, मैदान हशर। मैदान हशर की सख्तियां भी बहुत सारी बयान हुई कि लोग अपने अपने गुनाहों के सबब से पसीने में शराबूर होंगे। हुजूर इशारा फरमाया कि लोग कब्रों से बरहना उठाए जाएंगे, तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कब कपा गई, कहा हुजूर एक दूसरे से शर्म नहीं आएगी? फरमाया आयशा मामला तो इससे भी सख्त है, किसी को होश रहा तो शर्म आएगी ना, हर एक के तोते उड़े हुए होंगे, होश उड़े हुए होंगे, अजीब कैफियत होगी। अल्लाह अकबर, लोग अपने अपने गुनाहों के सबब पसीने में शराबूर होंगे, कोई घुटनों तक, कोई टखनों तक, कोई कमर तक, और किसी को पसीने की लगाम दी जाएगी, और वो ये यूं ही पसीना नहीं होगा जिस तरह का हमें पसीना आता है, वो गर्म होगा, गर्म। अगर उसका एक कतरा उहद पहाड़ पे रखा जाए तो वो पिघल जाए, और उस पसीने का एक कतरा अगर दुनिया पे डाल दिया जाए बदबू से दिमाग फट जाए। उस पसीने से अपने अपने गुनाहों के सबब से लोग शराबूर होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह की रहमत के साए मिलेंगे। वो बुखारी शरीफ की रिवायत, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु तआला फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लहु, इमामुन आदिलुन वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। 7 अशख़ास ऐसे हैं कि क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा अल्लाह उन्हें अपनी रहमत के साए में रखेगा। वो 7 अशख़ास कौन है? इमामुन आदिलुन, आदिल हुक्मरान। दूसरा, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी। आज हम समझते हैं ये जवानी है, इसको मंशा और मर्जी के मुताबिक गुजारना चाहिए। अभी तो ये जवानी की बहारें हैं, तरंग है, तो अभी तो पूरा पूरा नफा हासिल करना चाहिए जवानी से। अभी से जाके मस्जिद में बैठ जाएं, अल्लाह अल्लाह करने लग जाएं, फकीरों की सोहबत में बैठें, उलमा की मजलिस इख्तियार करें, अच्छी महाफिल में पहुंचें। ये तो नहीं ना उम्र भाई, वो तो उम्र आएगी तो देखेंगे, ये तो जवानी है, और जवानी मस्तानी होती है। इसको चौकों में, गलियों में, बाजारों में, सिनेमाघरों में, क्लबों में, होटलों में गुजारो, जिंदगी के ऐश और जिंदगी की लज्जतें हासिल कर लो,
लेकिन नहीं जवानों, जवानी वही है जो अल्लाह की याद में गुजर जाए। दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्गे जालिम मीशवत परहेजगार। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आना हबीबुल्लाह अश्शाबु ताइबु हबीबुल्लाह, लोगों में अल्लाह का हबीब हूं, और जो जवान जवानी में तोबा कर ले वो भी अल्लाह का हबीब है। जरा देखिए तो सही कितनी बड़ी बात है कि नौजवान अल्लाह का हबीब और महबूब कहलाता है, जो जवानी की ख्वाहिशात को कुचल कर अल्लाह की रजा के लिए जीता है, अल्लाह की रजा के लिए शब रोज गुजारता है। वाका करीम फरमाया, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी, कल कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा उसको अल्लाह की रहमत के साए नसीब होंगे, अर्श इलाही के ठंडे साए तले, और जो उस साए तले होगा उसको न प्यास होगी न भूख होगी न रसवाई होगी, और उसको जामे कौसर दिया जाएगा, और जिसको जामे कौसर मिल गया एक घूंट भी अगर उसका पी लिया तो 50,000 साल के दिन में एक लम्हा भी उसको प्यास नहीं लगेगी। ये जिंदगी जिस पे हम भरोसा करते हैं इसकी औकात और हैसियत क्या है? हम पता नहीं क्यों गाफिल हो गए, हमने कभी इस नहज पे सोचा ही नहीं है कि हम थोड़े से अरसे को खूबसूरत बनाने के लिए, रंगीन बनाने के लिए, पुर आसाइश बनाने के लिए उस जिंदगी को बर्बाद और तबाह कर लेते हैं जो अबदी और सरमदी और ना खत्म होने वाली। आप जरा अंदाजा कीजिए हमारी सारी जिंदगी कितनी है, 50 साल 45 साल एवरेज निकाली है माहिरीन ने, बड़े सगीर के लोगों की जिंदगी, चलो 50 साल लगा लो, 60 साल लगा लो, 70 साल लगा लो, ये कुल जिंदगी है ना, अगर तभी जिंदगी पाए तो इतनी जिंदगी, 70 साल लगा लो, चलो 80 साल लगा लो, लेकिन आखिरत का एक दिन, सिर्फ एक दिन 50,000 साल का, तो जरा तसव्वुर तो करें, जरा कैलकुलेटर लेके किसी दिन हिसाब तो करना कि ये सारी जिंदगी एक तरफ और 50,000 साल का एक दिन एक तरफ, तो जो इस दुनिया को संवार के उस दुनिया को बर्बाद कर लेता है उससे बड़ा कोई बेवकूफ हो सकता है जिसे ये यकीन है कि आखिरत आनी है और मैंने अल्लाह के हुजूर पेश होना है और एक एक अमल का हिसाब होना है, उसने चाहा तो बख्श देगा, और अगर हमारे आमाल की हमें सजा मिले तो कोई रोक नहीं सकता, हम कोई ऐसी बात नहीं कर सकते। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उससे इतना डरता हूं कि अगर मुझे पता चले कि सारी दुनिया जन्नत में जाएगी सिर्फ एक बंदा जहन्नम में जाएगा तो मैं डरता हूं कहीं वो एक मैं ना बन जाऊं, और अगर मुझे ये खबर हो कि सारे लोग जहन्नम में जाएंगे तो एक बंदा जन्नत में जाएगा तो मैं अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखता हूं कि वो एक कभी मैं हो जाऊं, मैं उसकी रहमत से ये तवक्को उम्मीद रखता हूं। तो ये वाज़े नशीन रहे कि बड़े बड़े लोग जिनकी जिंदगी तकवे और तहारत से इबादत थी वो अपनी जिंदगी कितनी एहतियात से गुजारते थे, लेकिन इसके बावजूद खशियत इलाही के जज्बे कितने थे। हम भूल गए कि हमने मालिक की हुजूर पेश होना है, और ये बात पक्की है अगर आंखें बंद कर लें और दुनिया की मस्ती में खो जाएं और परवाह ना करें ये अलग बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो मरहला आने वाला नहीं है। बिल्ली को देखकर कबूतर ना आंखें बंद कर लेता, उसके फितरत है, और वो ये समझता है कि मैं बिल्ली की नजरों से ओझल हो गया, लेकिन दो लम्हों के बाद जब बिल्ली के खूनी पंजे उसके सीने को चीर रहे होते हैं फिर उसे पता चलता है कि मेरा आंखें बंद कर लेना, चश्म पोशी करना मुझे बिल्ली के कहर व गजब से बचा नहीं सका। इसी तरह अगर हम चंद लम्हों के लिए अपनी दुनिया में मगन हो जाए, अपने जहान में लग जाए और चश्म पोशी कर लें आखरत से, तो क्या हमारा आखरत से, कब्र से, हशर से, मौत से और आने वाले जितने भी मराहल हैं उनसे चश्म पोशी कर लेना क्या उन मामलात को हमारे से दूर कर देगा? वो तो बदस्तूर अपनी जगह पर खड़े हैं और हम लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहे हैं, और कोई पता नहीं किस वक्त पैगाम में जला जाए। मोम को आप रख दें धूप में तो कितनी देर तक अपना वजूद बरकरार रख पाएगी? बर्फ कतरा कतरा पिघल पिघल के पिघल जाएगी, जब गिनती उल्टी शुरू हो जाए तो फिर काम जल्दी जीरो तक पहुंच जाता है। ये सांसों की गिनती उल्टी शुरू है, जिंदगी की बर्फ पिघल रही है। हम समझते हैं हम बड़े हो रहे हैं लेकिन हम छोटे हो रहे हैं, एक एक लम्हा हमारा, एक एक कदम उठने वाला मौत के करीब हो रहा है, और मौत के करीब
हम पहुंच रहे हैं लेकिन इसके बावजूद कितनी दीदा दलेरी है कि हम उसकी तैयारी नहीं करते। वो शख्स कितना गाफिल है जिसे ये यकीन है कि मौत आनी है और मैंने अल्लाह के हुजूर पेश होना है और मेरे एक एक अमल का हिसाब होना है, और फिर वो परेशान नहीं होता और अच्छे आमाल की कोशिश नहीं करता। तो आखिरत का अकीदा हमें, जो मुसलमानों को अकीदा आखिरत दिया गया है, ये अकीदा इंसान की जिंदगी में अमल की बहार लाता है, रौनक लाता है अमल की, कि चले गए दूसरे मैंने भी चले जाना है और वहां एक एक जर्रे का हिसाब लिया जाना है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमायज़िन अनिन नईम, उस दिन एक एक नियमत के बारे में पूछा जाएगा। आज मुझे भी मौका है, आज आपको भी मौका है, आज जिंदगी की डोरी लटकी हुई है, सांस चल रही है, आज अगर तौबा करें तो तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, आज अगर हाथ फैलाएं तो मालिक करीब होकर बंदों की सुन रहा है। अभी मगरब से सूरज तुलू नहीं हुआ, अभी बाबे तौबा वाह है, खुला हुआ है, हमारी जिंदगी सेहत सब कुछ मौजूद है। अब अगर हम उसके हुजूर तौबा के आंसुओं से अपने गुनाहों के दफ्तर में लिखी हुई बदियों को मिटाने की कोशिश करें तो वो मिट सकती हैं, बल्कि वो नेकियों में बदल सकती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया हम उनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देते हैं जो सच्ची तौबा करते हैं। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बे कमल्ला ज़म्बा लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जिस तरह उसने कोई गुनाह किया हुआ ही नहीं है, सारे गुनाह उसके मिट जाते हैं, वो ऐसे पाक हो जाता है जिस तरह मां के पेट से उसने जन्म लिया हो। ये कितनी करम नवाजी, अगर ऐसा मौका भी ना दिया जाता जो कर लेते उसकी सजा हो के रहनी है, फिर तो फंस गए थे, मसला बन गया था। लेकिन यहां है, तुमने जितने मर्जी गुनाह किए हैं आओ मालिक की चौखट पे आ जाओ, नदामत का इजहार करो, शर्मसार हो जाओ और हाथ फैला के कहो मालिक हमसे गलती होगी, हम तुझे भूले रहे, दुनिया की भोल भलैयों में फंसे रहे, हमें पता ही नहीं खतरे तेरे हुजूर हमने पेश होना है, और इसका इजानो यकीन तो था लेकिन शैतान ने ऐसी गफलत तारी कर दी कि हमसे कितनी खताएं साजिब होगी। अब देख तेरे बंदे पलट के बिलाखर तेरी चौखट पे आ गया ना, मालिक तू करीम है हमें माफ कर दे। अल्लाह ताला फरिश्तों को कहता है मेरे फरिश्तों देखो ये मेरा बंदा बिलाखर मेरे दर पे आया है ना, तुम गवाह हो जाओ मैंने अपने इस बंदे की मगफरत करवा दी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब कोई बंदा जंगल में जा रहा हो तो जंगल के अंदर उसका ऊंट गुम हो जाए जिसके ऊपर उसके खाने का सामान भी था और उसके पीने का पानी भी था, और वो सो गया, ऊंट गुम हो गया, अब वो उठा दाएं बाएं देखा ऊंट नहीं मिल रहा, सहरा है, अब उसका खाना भी वही पानी भी वही उसी ऊंट पे, अब वो मौत का इंतजार करने लगा थक हार के, और अचानक उसकी आंख लग गई, फिर जब उसकी आंख खुली तो ऊंट जो है वो उसके पास खड़ा था, तो वो बड़ा खुश हुआ और कहने लगा ए अल्लाह मैं तेरा रब और तू मेरा बंदा, कहना तो ये था ना कि मैं तेरा बंदा और तू मेरा रब। तो उसने जल्दी में और इस कदर से खुशी हुई कि खुशी से मगलूब हो गया और उसे लफ्ज भी याद न रहे कि मैं क्या कह रहा हूं, तो उसने ये कह दिया कि ए मेरे अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब, यानी उसने ये खुशी से कहा, इस कदर मखलूब हो गया। तो फरमाया कि सहाबा उस बंदे को जब ऊंट मिल गया और उसने मगलूब होकर यह बात कही, बताओ उसको ऊंट मिलने से कितनी खुशी हुई। बाकी हुजूर बहुत ज्यादा, फरमाया जिस कदर ऊंट मिलने से उसको खुशी हुई जब बंदा तौबा करता है अल्लाह इससे भी ज्यादा खुश होता है। तो जरा देखो तो सही, बला जिसने जुर्म किया हुआ हो, जो भागा हुआ हो, जब पलट के आए तो क्या हालत होती, बाप के घर से भागा हो या मां के पास से भागा हो, उस्ताद से भागा हो या थाने से भागा हो, जेल खाना से भाग गया हो या किसी और जगह से भाग गया हो, भागा जब पलट के आता है तो उसे पता होता है कि मेरे साथ क्या सलूक होने वाला है, लेकिन ये डर ऐसा डर है जब भागा हुआ पलट के आता है अल्लाह की रहमत बढ़ के उसका इस्तकबाल करती, मेरे बंदे तू वापस आ गया, तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू की रहमतें भरकर अपने उस बंदे का इस्तकबाल करती हैं। तो इस उनवान से बहुत कुछ कहा जा सकता है, मैं यही कहूंगा कि आज मौका है, अल्लाह ने सेहत दी है, अल्लाह ने जवानी दी है, अगर कोई बुढ़ापा है तो बुढ़ापे में भी तौबा, अब तो वो क्या कहते हैं सूरज गुरूब होने के करीब है,
डिगर ते दिन गया मुहम्मद उड़क नू डूब जाना। वैसे तो पता बच्चे बूढ़े जवान का भी नहीं है। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं मुआशरे में जरा नजर दौड़ा के देखो, बच्चे ज्यादा नजर आते हैं या बूढ़े, या बूढ़े कम नजर आएंगे जवान ज्यादा नजर आएंगे। क्या इसका मतलब यह है कि लोग बुढ़ापे तक कम पहुंचते हैं, ज्यादा लोग जवानी में मौत के मुंह में चले जाते हैं। और अगर किसी को अल्लाह ने यह मोहलत दे दी कि वो बूढ़ा हो गया तो फिर उसको अब बुढ़ापे में भी अपने रब से दूर नहीं रहना चाहिए, और जवान को जवानी के लम्हों को गनीमत समझना चाहिए और अपने रब की हुजूर रुजू लाना चाहिए, पिछले गुनाहों से तौबा करना चाहिए। आखिरत का अकीदा मजबूत से मजबूत तर हो, उसे यकीन हो कि मैंने अल्लाह के हुजूर पेश होना है, और ये यकीदा और ये इज़ानो यकीन उसको आखिरत की सख्तियों से बचा सकता है, उसकी जिंदगी में इनकलाब ला सकता है। मैं और आप तेजी के साथ मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। पूछा गया ना जिंदगी और मौत के बारे में क्या ख्याल है, अर्ज की फजर की नमाज पढ़ी है, पता नहीं जोहर पढ़ेंगे या कि नहीं। कहा इतनी लंबी उम्मीदें लगाए बैठे हो, कहा जोहर पढ़ी है, पता नहीं असर पढ़ेंगे या कि नहीं। कहा तूले अमल की बात कही, कहा असर पढ़ी है, पता नहीं मगरिब पढ़ सकेंगे या कि नहीं। एक ने बोला एक रकत पढ़ी है, पता नहीं दूसरी रकतें भी पढ़ेंगे कि नहीं। फरमाया ये सब कुछ तुम कहते हो, मैं तो यूं कहता हूं एक तरफ सलाम फेरा है, पता नहीं दूसरी तरफ सलाम भी फेर सकेंगे या कि नहीं। और आप देखते हैं कि अचानक एक बंदा मौत के मुंह में चला जाता है, हम समझते यार यही तो अभी था थोड़ी देर कबल, लेकिन अचानक मौत दबोच लेती है तो कबल इससे कि वो वक्त आन पहुंचे और कोई हुज्जत बाकी न रहे, मुझे और आपको अपने आमाल की इसलाह कर लेनी चाहिए। अल्लाह ताला ने मौका दिया, बार बार तौबा का मौका दिया, और इस अंदाज से पिछली उम्मतों को सहूलत नहीं थी जिस अंदाज से उम्मत मुस्तफा को अता की गई थी। और फिर दूसरी बात यह है कि थोड़ा भी अमल करोगे, इस उम्मत को यह इजाज बख्शा गया है, थोड़े अमल पर बड़ा जो सवाब रखा गया। आका करीम फरमाया एक बंदा फजर से जोहर तक काम करता है उसको एक दिरहम मिलता है, एक जोहर से असर तक काम करता है वक्त थोड़ा उसको आधा दिरहम मिलना चाहिए लेकिन उसको भी एक दिरहम मिलता है, और एक बंदा असर से मगरब तक के वक्त में काम करता है उसका वक्त उससे भी थोड़ा लेकिन उसको दो दिरहम मिलते हैं। फरमाया पहली मिसाल यहूद की है, दूसरी मिसाल नसारा की है, और तीसरी मिसाल मेरी उम्मत की है। तो कैसी लूट से लगी हुई है और हम कितने महरूम हैं, हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो हमारे लिए पैदा की गई थी, जो हमारी खिदमत के लिए पैदा की गई थी, और जिनकी तखलीक का मकसद हमारी जरूरत की कफालत करना था और हम उनके पीछे भाग रहे हैं। बच्चा जब शिकमे मादर में 120 दिन का होता है फरिश्ता आके उसका रिज्क लिख जाता है, तो जो लिखा गया उससे जायद एक पैसा भी नहीं मिलेगा, और जब लिखा गया उससे कबल नहीं मिलेगा। तो हमारा यह काम नहीं था जो हम कर रहे हैं, हमारा काम था अपने रब को राजी करते और उस आखिरत के दिन के लिए तैयारी करते। वैसे डर तो रहता है हर शख्स को मौत का, इमाम गजाली फरमाते हैं वो भी तीन तरह का डर है। कुछ लोग इसलिए डरते हैं अगर मैं मर गया तो मेरी जिंदगी की लज्जतें छिन जाएंगी, अब तो मेरा वकार है, मसनद है, ओहदा है, शान और शौकत है, जिंदगी की लज्जतें हैं, दोस्त अहबाब का माहौल है, खुशगपियां हैं, अगर मैं मर गया तो ये सब कुछ जाता रहेगा, इस वजह से वो मौत से डरता है। ये डर इंसान की जिंदगी में ऐशो इशरत को बढ़ा देता है। बाबर बैश कोश के आलम दोबारा नहीं, बाबर ऐश के अल्लाह की जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी, ये डर मजमूम डर है। कुछ लोग मौत से इसलिए डरते हैं कि अगर मैं मर गया तो मेरे बूढ़े मां बाप का क्या बनेगा, मैं तो घर का वाहद कफील हूं और मेरे मां बाप को अगर मेरी वफात की अचानक खबर पहुंच जाए बुढ़ापे में, अब वो हैं, उन्होंने पाला पोसा जवान किया, अब मेरे से नफा हासिल करने के दिन है उनके, अगर मैं मर गया तो उनके दिल पे क्या बीतेगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, दर दर के धक्के उनका मुकद्दर होंगे, मेरी बीवी बेवा हो जाएगी, वो इस ख्याल से डरता है, मेरे दोस्त किस सदमे में दो चार होंगे, वो इस ख्याल से तड़प जाता है और मौत का खौफ उसके दिल में आना शुरू हो जाता है और वो रोने लग जाता है या परेशान हो जाता है। ये डर भी इंसान की जिंदगी में लालच को हवस को बढ़ा देता है, इकट्ठे कर लो ताकि बाद वाले परेशान ना हो, जो कुछ आजकल है हो रहा है। तीसरा डर इमाम गजाली फरमाते हैं एक मोमिन का डर है, और वो सोचता है अगर मैं अचानक अब मर जाऊं तो मेरे पल्ले कौन सा नेक अमल है जो लेकर अल्लाह के हुजूर पेश हो सकूंगा।
मेरे पल्ले कमाई कौन सी है, माजी को देखूं तो गुनाहों से लुथड़ा पड़ा, आमाल का दफ्तर देखूं तो खाली, तो कौन सी शह है मेरे पल्ले, किस मुंह से जाऊंगा अपने रब के। हां हजरत सिद्दी सख्ती एक बुजुर्ग हैं, हजरत जुनैद बगदादी के शेख और मामू लगते हैं रिश्ते में, फरमाते हैं मैं तो इस बात से डरता हूं कि अपने रब का सामना कैसे करूंगा, उसने मुझे क्या दिया और मैंने क्या किया उसके लिए। और हजरत इकबाल, अल्लामा इकबाल कहते हैं मैं तो इस बात से डरता हूं कि मैं रसूल करीम का सामना कैसे करूंगा। और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं तू गनी अज़हर दो आलम मन फकीर, रोजे माशर उज़्र हाय मन पजीर, गर तू मी बीनी हिसाबम ना गुजीर, अज निगाह मुस्तफा पिन्हा बगीर। ऐ अल्लाह मेरा हिसाब ना लेना, मुझे यूं ही माफ कर देना, और अगर मेरा हिसाब लेना जरूरी ठहरा तो कम अज कम हुजूर के सामने ना लेना, मुझे हुजूर से शर्म आएगी। तो देखिए ये था खौफ और ये थी खशियत, तो ये मकसद मौत का, ये इस अंदाज से डर कि अगर मैं अचानक मर जाऊं तो मेरे पल्ले कौन सा नेक अमल है। और आजकल तो आप देख रहे हैं कि अचानक मौतें वाकया हो रही, बंदा तोबा को मुअख्खर कर देता है, वो कहता है कि यार अभी मेरी उम्र नहीं है इंशाल्लाह, कोई कहता है बस शादी मेरी हो ले फिर उसके बाद मैं ये करूंगा, कोई कहता है बस मैं रिटायरमेंट ले लूं उसके बाद मैंने हज करना है, फिर बच्चों की शादियां करनी है, फिर मैं हूंगा मस्जिद होगी, ये ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं जिसका सब कुछ इस बंदे के कब्जे में हो, किसने ये सब कुछ करना है, जबकि ये तो अपनी एक सांस का भी मालिक नहीं है, इसे तो एक सांस का नहीं पता जो अंदर गई है वो बाहर आएगी कि नहीं, जो बाहर है वो अंदर जाएगी कि नहीं। जिस बंदे का इतना इख्तियार भी नहीं है अपनी सांस पे, वो कह रहा है कि बस जी आपकी बात समझ आ गई, इंशाल्लाह मैं रिटायरमेंट ले लूं, फिर मैं बच्चों की शादियां कर लूं, फिर मैं हज पे जाना है, फिर आके इंशाल्लाह मैं हूंगा मस्जिद होगी और संगे दरे महबूब होगा, फिर मैं जो है इंशाल्लाह देखना कैसा मेरा जिंदगी का रंग बदलता है। ये वो शख्स कह रहा है जिसके कब्जे में एक सांस भी नहीं है, अभी मैं जवान हूं बस थोड़ी उम्र और हो जाए, बस आप इंतजार कर रहे हैं, ये वो कह रहा है, ये नफ्स अंदर से आवाजें दे रहा है, ये शैतान उसको ऐसी बातें सिखा और पढ़ा रहा है ताकि वो तोबा को मुअख्खर कर ले, और अचानक अगर मौत आ जाए तो ये बुरी मौत मरे, क्योंकि अचानक मौत से तो हुजूर ने भी पनाह मांगी ना, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल मौतिल फजात, अल्लाह अचानक मौत से मैं तेरी पनाह मांगता, यदि अचानक मौत से पनाह मांगी। आजकल तो कई ढब हैं अचानक मौत के, एक्सीडेंट हो गया, बम धमाके हो गए, बीमारियां ऐसी हैं, अचानक बंदा इस दुनिया से चला जाता उसको तोबा की तौफीक ही नहीं मिलती। तो इंसान तोबा को मुस्तकबिल पे मुअख्खर करे तो एक तो उसे मुस्तकबिल की खबर नहीं है, और दूसरा अब वो मुअख्खर कर रहा है, जो हालत उसके दिल की अब है तो इसके बावजूद वो मुअख्खर कर रहा है, तो जब 4 साल गुजर जाएंगे दिल और सख्त हो जाएगा तो क्या फिर उसको हो सकता है ख्याल भी ना आए कि मैं तौबा कर लूं। तो जो हालात अब हैं वो शायद उस वक्त ना हो, तो तौबा में ताखीर करना ये भी बहुत बड़ी मारूमी होती है। तो अगर अल्लाह ताला किसी को तौफीक दे दे, अपना रास्ता दे दे, तो वो एक लम्हा भी ताखीर ना करे, वो अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों से माफी मांग ले, यही बंदे के लिए एजाज है और यही बंदे की हकीकी सरखुरुई है। अकीदा आखरत एक बड़ा वसी मफहूम है और इसके उनवान से बहुत कुछ कहने वाला था, लेकिन आज की इस नशस्त में इसी उनवान से कुछ बातें मैं आपकी गोश गुजार इस उम्मीद से की हैं शायद कि किसी दिल में उतर जाए मेरी बात, और मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करें, अच्छे लोगों की संगत और सोहबत में बैठें और अपने मामूलात को बेहतर रखें, बुरे लोगों की सोहबत से बचना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल मरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, हर शख्स अपने दोस्त के दीन पे होता है, जब वो किसी से दोस्ती लगाने लगे तो वो देखे कि वो किससे दोस्ती लगा रहा है, इसलिए हमने किसी से ताल्लुक जोड़ते हुए पहले देखना है कि इसके मामूलात क्या हैं, अगर कोई गाफिल है तो फिर नमाजी को भी वो गाफिल कर देगा, और अगर किसी नमाज पढ़ने वाले से दोस्ती है तो फिर एक दिन वो उसको खींच के मस्जिद की तरफ ले जाएगा, इसलिए मैं और आप अपनी दोस्तियां, अपने दाएं बाएं के माहौल, अच्छे लोगों की संगत और सोबत इख्तियार किया करो, और अच्छी चीजें सुनने को मिले तो उसके लिए वक्त निकाला करो। अल्लाह मुझे आपको तौफीक अमल अता कर दे, और मेरी दिल की अथाह गहराइयों से आप अगर मेरे दिल को देख सके तो मेरे दिल किस वक्त जज्बात क्या है,
میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کے لیے اس مجلس میں موجود نوجوانوں کے لیے بالخصوص بے پناہ محبتوں کے جذبات ہیں، اور میرے دل کی آرزوئیں اور تمنا یہ ہے مالک ان سب ساتھیوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلے. تو بات یہاں سے چلی تھی، وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، اور اگلا فرمایا ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، اس کو ڈھونڈو تو مسجد میں ملے گا، تلاش کرو تو اللہ کے گھر میں ہوگا. لوگ تو کہتے ہیں فلاں مسیتڑ ہو گیا، لیکن اس مسیتڑ کی قدر و قیمت کا کل قیامت کے دن خبر ہوگی، پتا چلے گا. اور چوتھا شخص وراجل دعته امرۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ مرد وہ جوان جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اور وہ عورت بھی معمولی نہیں تھی، ذات و منصب و جمال، حسن کی پیکر تھی اور صاحب منصب تھی، اس نے اس کو اپنی طرف لبھانا چاہا. اب اس نوجوان نے کیا اس کی پیشکش کو قبول کر لیا؟ قدموں میں بچتے ہوئے حسن کو اس نے ٹھکراتے ہوئے کہا انی اخاف اللہ، تیری بات کیسے مانوں، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے. یہ کہہ کے اس نے حسن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا. حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس جوان کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. کام اس نے بہت بڑا کیا، بہت بڑی بات تھی جو اس نے کی، اور یقیناً اس کو اس کا صلہ کل قیامت کے دن عطا کیا جائے گا. ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق الیہ، اور وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے جیے، اللہ کے لیے ملے اور اللہ کے لیے الگ ہوئے. ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ، اور وہ شخص جس نے خلوت میں کسی کو صدقہ دیا اور دائیں نے صدقہ کیا بائیں کو خبر نہ ہوئی. اور ساتواں شخص ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں بیٹھا تھا اللہ اللہ جپ رہا تھا کہ اس کی آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو چھلک پڑے. ففاضت عیناہ، آنکھیں بہ پڑی. پھر کیا ہوا؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس نوجوان کو بھی، شخص کو بھی اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کی حشر کی اس کڑکتی دھوپ میں اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے، اور حضور کا دامان رحمت ہم سب کو نصیب ہو جائے. میری دعائیں، مجھے پتہ ہے میرے اندر کیا جذبات ہیں، اللہ کرے وہ جو جذبات ہیں میں اپنی زبان پہ اس کو نہیں لا سکا، اور نہ میری زبان میں اتنی سخت ہے کہ میں اندر کی کیفیت کو، اس درد کو، اور آپ لوگوں کے لیے جو محبت کی کیفیات ہیں اس کو زبان کی نوک پہ لے آؤں. بس جو جذبات ہیں اللہ وہ قبول کر لے، اور آج کس نشست کے اندر کوئی بھی خالی نہ رہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو سچی اور حقیقی توبہ عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.